ओम शांति। आज 3 जुलाई 2023, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, नए नए तरीके खोजो कि कैसे हम सर्विस करें, सेवा का विस्तार करो, क्योंकि सेवा करोगे तो कोई फायदा होगा ना। सेवा का विस्तार करो, सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन। भला माताओं को आगे करो तभी जो है ना सफलता मिलेगी। प्रश्न, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते। मतलब जो भी बात फिर आप किसी को बताओगे ना, वो जल्दी से मान लेगा। और तो बोलो कम से कम सम्मानपूर्वक। जब भी किसी से बात करते हो तो आप कहकर बात करने, उसको रिस्पेक्ट देकर के कहोगे ना तो वो आपकी बात को मानेगा। यदि आप तू करके नहीं, तू कह करके नहीं बात करो, ये भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। ये नहीं कि उसको उसके ऊपर हंसो या उस पर मजाक करो या जोर से कुछ बोलो, मतलब जिससे उसको बुरा लगे। मतलब व्यवहार भी आपका बहुत प्रभाव डालता है। स्कूल में भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं, कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी, घमंड से बात नहीं करनी, प्यार से बात को समझाना। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो, खुश रहो, चेहरा आपका खुश हो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। आपका खुश चेहरा भी क्या करेगा, बहुत सेवा करता है। गीत, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो समझाया गया है, ये तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गए। क्या बन गए हम? पाप आत्माएं बन गए। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए आओ। कैसे कहते हैं? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे पतित पावन आओ। तो ये पतित दुनिया है, ये पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता। कौन सी दुनिया को ये कहा होती है? निराकारी दुनिया कहा होती है? परम, मतलब परम धाम जो जो आत्माएं रहती हैं उसको कोई पावन दुनिया नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहां कोई रहते ही नहीं है। वहां तो सिर्फ आत्मा है, वो भी किसी काम के नहीं, कुछ नहीं करती, सोचती भी नहीं, खाती भी नहीं, खेलती भी नहीं, उड़ती भी नहीं, बात भी नहीं करती, बस नुए पड़ी है जैसे पत्थर पड़े हो। बाबा कहते हैं उस दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वे शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है। कलयुग दुनिया में पतित है, कलयुग में सारे कौन है? पतित हैं। और सतयुगी दुनिया में पावन है।
पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का, क्योंकि जो गीता लिखी गई उससे पहले जो गीता में श्लोक हैं वो हमारे वेदों में भी कहीं कहीं कुछ श्लोक हैं, कुछ श्लोक वहां से लिए, कुछ कहां से लिए, और कुछ जो है उसने अपने बनाए और एक गीता बन गई, महाभारत बन गई। ठीक है, महाभारत लिखी, अब उसको बाबा कहते व्यास का नाम लिख दिया। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना, किसने उसकी व्याख्या की। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब है। हम जानते हैं कब शास्त्र बनाए, बाबा बताते हैं। हाँ जी, द्वापर से। ये तुम बच्चे जानते हो सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं, ना सतयुग में कोई शास्त्र होते हैं और ना त्रेता में कोई शास्त्र होते हैं। भक्ति मार्ग का वहां कोई नामो निशान नहीं, सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग का कोई नाम निशान, ना कोई मूर्ति, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना जोत जलाना, ना कुछ। ये ड्रामेबाजी, नाटकबाजी वहां कुछ भी नहीं। स्वर्ग है, वहां सब सुखी है, उन्हें कुछ भी सुख के लिए ड्रामा करना नहीं पड़ता। ज्योति जलाओ, आरती करो, पूजा करो, पाठ करो, या दुखी है तो ये पंडित लोग कहते हैं ऐसे करो तो सुख में आ जाएगा, ऐसे करो तो शांति आ जाएगी, ऐसे करो तो घर में लक्ष्मी आ जाएगी, ऐसे करो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। वो पंडितों ने ये बेकार के ड्रामे लोगों के लिए बना के रखा। बाप ज्ञान से जिंदाबाद है, बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं, ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते। 21 जन्म में पहला जन्म संगम का और 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता के, ये 21 जन्म। तो पहला जन्म जो है ना वो संगम होता, आखिरी नहीं। माया आकर मुर्दा बनाती है, माया कैसे मुर्दा बना देती है भाई, किसी को मारती है माया, माया मारती है, कच्चे को खा जाती है, तो खा गई तो रह गई नहीं ना, वो खाती भी तो नहीं है। माया ने किसी को खाया आज तक बता दो, माया कभी किसी को नहीं खाती, सिर्फ मुर्दा बनाती है, क्योंकि खा जाए तो फिर मुर्दा किसको कहेंगे। और मुर्दा कैसे होता है, मुर्दा तो तब होता है जब आत्मा निकल जाए, इसमें आत्मा है तब भी उसको मुर्दा कह रहे हैं, क्यों भाई। हाँ जी, भूल गए आत्मा को, भूल गए कि हम आत्मा हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए सब कौन बैठे हैं, मुर्दे। इन मुर्दों में जिनको पता लग गया है कि हम आत्मा हैं, वो आत्माएं जिंदा हैं, बाकी मुर्दे। ये है मुर्दों की दुनिया, सारी दुनिया ही मुर्दों की है, कोई भी अपने आप को समझता ही नहीं, सारे अपने आप को समझते हैं, हम मर जाएंगे, सारे मरेंगे, कोई कौन मरेगा, सब मरेंगे, कोई ऐसा है ही नहीं जो ना मरे, सारे मरेंगे। आप में से कौन कौन मरेंगे, हाँ जी, हम तो अमर आत्मा, हम तो नहीं मरेंगे भाई, हम तो अमर आत्मा, हम क्यों मरेंगे, हम मरते हैं कोई, वीरमती मरेंगे, नहीं मरेंगे ना, कौन जाएगा, शरीर जाएगा कि आत्मा जाएगी, हाँ शरीर तो इतने पड़ा ही रहेगा, शरीर तो पड़ा रहेगा, हम आत्मा चली जाएंगे, हम तो आत्मा हैं, ये शरीर छोड़कर यही पड़ा रहेगा, चाहे उसे उठाओ चाहे मत उठाओ,
चाहे उसे जलाओ चाहे मत जलाओ, पड़ा रहेगा, हमारा क्या मतलब। हम आत्मा तो चली जाएंगी मां के गर्भ में, जाके दूसरा शरीर बनाएंगे, वो उठाए उठाए घूमेंगे हमें, है नहीं? हमें क्या चिंता है, ये शरीर जिनके पास पड़ा रहेगा सड़ता रहेगा, उन्हें बदबू आती रहेगी, उन्हें होगा जो कुछ होगा, हमें क्या होगा। हमें थोड़ा कोई बदबू आएगी, आएगी हमें बदबू, हम तो गए है नहीं। तो इसलिए हम अमर हैं, हमारा ये शरीर मरेगा, हम अमर हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमने अपने आप को मुर्दा नहीं कहना, हमने अपने आप को मुर्दा नहीं कहना। जो अपने को शरीर समझते हैं वो सारे मुर्दे, जो ये समझते हैं कि हम मर जाएंगे, हम तो समझते हैं कि हम तो नहीं मरेंगे। आप कोई मरने वाला बैठा है यहाँ, आप मरोगे बहन जी? हाँ, आप कौन हो? आत्मा है ना, तो आप आत्मा अमर हो ना, आप तो नहीं मरोगे ना। हाँ बिल्कुल, जिससे पूछो मरेंगे, जो कहे मरेगा समझ लो ये मुर्दा है, यानी जो कहे नहीं मैं तो अमर हूं वो नहीं मरेगा। समझने पर है ना सारी बात, ठीक है कि नहीं। तो आप अमर हो गए हो, आप नहीं मरेंगे, और जो अपने आप को मरने वाला समझते हैं वो कौन है? मुर्दे, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। ये सारी दुनिया क्या है? कब्रिस्तान, सारे मुर्दे ही मुर्दे घूम रहे हैं, कोई अपने आप को समझता ही है आत्मा? इस समय घोर कब्रिस्तान, इस समय क्या बन गया है ये दुनिया? घोर कब्रिस्तान बन गई है। बुद्धि तो सबकी चलती होगी, बुद्धि तो सबकी चलती होगी, महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है। जो महाभारी लड़ाई होगी उसमें ये सारी दुनिया क्या बन जाएगी? कब्रिस्तान बनती। और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता, बाकी लड़ाइयों में कुछ मरेंगे बाकी बच जाएंगे। अब लड़ाइयां चल रही हैं, कहीं कुछ मर जाते हैं, बाकी तो नहीं मरते, बाकी तो बच जाते हैं ना। और कहीं लड़ाई हो गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ मर गए, बाकी तो बच गए ना। परंतु ये जो महाभारत लड़ाई होती है इसमें सारी दुनिया कब्रिस्तान बन जाती है। और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता, भागवत में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ज्ञान सागर के बच्चे, भागवत में लिखा है सागर के बच्चे, राजा सागर के बच्चे जल मरे, राजा सागर के बच्चे जल मरे। कैसे जल मरे वहां नहीं लिखा, कैसे मर गए वहां नहीं लिखा हुआ। बाबा कहते काम चिता पर बैठ ज्ञान सागर के बच्चे जल मरे। हैं तो सारे ज्ञान सागर के बच्चे, परंतु माया के वशीभूत हो काम चिता पर बैठ क्या हो गए? जल मरे। फिर कौन उनको आके जिंदा करे? सब को भस्मीभूत कर दिया माया ने, काम विकार ने सब को क्या कर दिया? भस्मीभूत कर दिया। सब कब्र दाखिल है, मतलब भागवत में लिखा है राजा सागर के बच्चे जल मरे। तो बाबा कहते वास्तव में है ज्ञान सागर के बच्चे जो काम चिता पर बैठ जल मरे थे, माया के कारण विकार के कारण भस्मीभूत हो गए थे। सब कब्र दाखिल, सारी दुनिया इस विकार में जाने से क्या हो गई है? कब्र दाखिल हो गई है। कुरान में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ, हम कुरान पढ़ें क्यों? हम कोई मुसलमान है? ये बाबा भी पता नहीं कहां कहां से ढूंढ के ले आवे। मुसलमानों की बाबा लिखते, मुसलमानों की कुरान आदि में भी है कब्र दाखिल हो जाते। जब कयामत का समय होता है
तो उनको जगाने अल्लाह आता है। वो ये मानते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ती है आत्मा, तो वो जाकर के उस जिस्म को कब्र में दफन कर देते हैं। तो वो समझते हैं कि रूह भी अपने जिस्म के पीछे पीछे उस कब्र में दफन हो जाती है, चाहे वो कब भी था, उसके लिए तब से वो आत्मा वही कब्र में इंतजार करती रहती है। और कयामत की रात का, जब कयामत की रात आती है, आखिरी रात आती है, उसे डूम्स डे भी कहते हैं, जजमेंट डे भी कहते हैं अपनी अपनी भाषा में, तो उस दिन सभी रूहें कब्र से उठकर आती हैं, खुदा के सामने हाजिर होती हैं, और खुदा फिर सबका जजमेंट करते हैं, सबका निर्णय करते हैं। जिन्होंने पाक कर्म किए हैं उनको जन्नत मिलती है, और जिन्होंने नापाक कर्म किए हैं उनको दोजख मिलती है, नरक मिलता है। अब कोई 500 साल पहले, कोई 1000 साल पहले, कोई 3000 साल पहले, 2000 लगा लो, जिसने शरीर छोड़ा और वो मुसलमान थे या इस्लाम धर्म को मानते थे, उनके शरीर को दफन कर दिया। अब कयामत का समय आ रहा है। अब उस समय का कब्र में नंबर एक बात तो रूह रखी नहीं, तो रूह जाएगी कहां से? अब बाबा आकर समझाते बच्चे, ये शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है, इसमें रूह दफन हो गई है। सब अपने आप को भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। तो ये सब चलती फिरती कब्रें हैं, इसमें रूह दफन है। मैं आकर आप रूहों को क्या करता हूं? जगाता हूं, ज्ञान सुनाकर सबको जगाता हूं। कब्रिस्तान को फिर परिस्थान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्थान बनाया था। किसने बनाया था, कब बनाया था, कैसे बनाया था, ये पता नहीं। कब बनाया था, किसने बनाया था, कैसे बनाया था, ये कोई तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्थान बनाया होगा, परले तो नहीं होगी, परले तो सारे मर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे मर जाएं तो फिर नया बच्चा पैदा कहां से हो? परंतु मरते बहुत हैं, सतयुग में होते ही थोड़े से मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, वहां ऐसी हालत नहीं होगी। जिसका ये गीत सुना, स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं दे, और यहां तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं, बाप बेटी का खून कर देते हैं, बेटा मां का खून कर देते हैं, भाई बहन को मार डालती है। कैसी बहन हो गई? बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरी की स्त्री पर फिदा हो गया, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा हो गया तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। ये है ही पतित दुनिया, ये है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं, क्या गाते हैं? ए पतित पावन आओ, परंतु उनको को आप पतित हो नहीं, फिर क्यों बुला रहे हो? पतित पावन आओ, पतित से पावन करने के लिए बुला रहे हो ना। किसको पतित से पावन करना है? जो बुला रहा है वही पतित हुआ ना। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। अभी तुम जानते हो हम भी पतित थे, हम भी
पतित थे, बाप पावन बना रहे हैं, अब ये फिर दुनिया को बताना, ये फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है कौन है? शिव बाबा, एक शिव बाबा जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो, शिव जयंती। वे आ गया है, असल में कायदा था, असल में क्या था? कायदा था। कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वे हाथ में उठाते थे, मतलब कहते थे ठीक है ले आओ, अभी राजा तो है नहीं, ये इन्वेंशन सबको बतला दी, आपस में मिलकर रेजुलेशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए, मतलब एक पत्र बनाओ कि हम सारे संसार को पतित से पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं, और जो जो भाई बहन हैं पतित से पावन बन रहे हैं वो उस पे साइन करें, जो पावन बनाने का काम कर रहे हैं वो साइन करें, और गवर्नमेंट को जाके दो। देखो इतने लोग कह रहे हैं ये हम अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए, इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वे प्रबंध करती है, तो तुमको भी ऐसा करना है। जिसका जन्म दिन आए उनके लिए समझाओ, त्योहार आते हैं ना रोजाना नए नए, किसी का जन्मदिन है, किसी का कोई त्योहार है, किसी का कोई त्योहार है, उनके लिए समझाओ, जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक कह लगती है, आज से 5000 साल पहले बाप आया था, भारत जो ऊंचते ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वे बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन गया है, उनको फिर परम पिता परम आत्मा हीरे तुल्य बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, हर एक मनुष्य सर नेम ये सरनेम यही है, ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो, दीप माला आती है ये तो तुम जानते हो, अब घर घर में घोर अंधियारा है, घर घर में क्या है? घोर अंधियारा है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरा विनाश, बरोबर घोर अंधियारा है, बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं, बाप को जानने से ही, बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती, सबकी ज्योति, उनको क्षमा भी कहा जाता है, ज्योति को क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है, इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए,
तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए, आपस में मिल करके सही साइन करने हैं, हस्ताक्षर लेकर फिर समझाओ, पहले उसको समझाओ। अमर हो बहन जी, पक्का इनसे साइन करवा लेना, कल मुकर ना जाइए, ठीक है कि नहीं? मुकर जाएगी ना, ऐसे बाबा कह रहा है साइन करवा लो, उसको समझाओ, वो हाँ करे उसको को साइन कर दे, मैं मान लिया, फिर मुकर जाए फिर क्या करेंगे? भाई कहीं भी जाके मुकर नहीं सकते हो, फिर हम गांव में आकर के दिखा देंगे कि देखो ये अमर है। नहीं जाए ना जाए, परंतु आप अमर हो, आपने लिख दिया साइन करवाने हमने, बस फिर आप आपस में मिल करके सही लेकर फिर समझाओ, फिर अगला चैप्टर बाद में समझाना जब साइन हो जाए। हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हैं, सभी किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं, वो कहते हैं शिव अहम, मैं ही शिव हूं, बाबा कहते शिव नहीं हो तुम शिव के सब बच्चे। बाप तो एक है, बाप तो एक है, वे है रचयिता, पतितों को पावन बनाने वाला, एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, सबको सूचना देने वाला पत्र बनाना चाहिए, पर्चा छपवाना चाहिए, मुख्य जो बड़े बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्यों को जगाते हो, मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते, हम गंगा में स्नान करेंगे तो हम पावन बन जाएंगे, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है, ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वे है, बाकी ये सब है अंधश्रद्धा, बाकी ये सब क्या है? अंधश्रद्धा है। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है, अभी तुम बच्चों को क्या मिली है? अथॉरिटी क्या होता है? ताकत, पावर मिली है, शक्ति मिली है, क्या शक्ति मिली है? सबको ज्ञान समझाने, सबको ज्ञान समझाने की अथॉरिटी मिल गई है। शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए, किसको? महारथी भीष्म को, अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं, सेना में नंबर वार तो होते हैं ना, बातचीत करने में भी मेहनत चाहिए, अपने से बड़े को हमेशा, अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले तू तू कर बात करते। आज बाबा कहता है यदि तू तू करके बात करेंगे तो अनपढ़े बन जाएंगे। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं, टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं, जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं, करैक्टर भी रजिस्टर में लिखते हैं, सबका करैक्टर रजिस्टर में लिखा जाता है, फिर जब वो जाते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट लेने तो उसका रजिस्टर मंगाते हैं। आजकल तो इतने करैक्टर वाले हैं ही नहीं, दुनिया में गंद ही गंद है, गंद ही गंद है। गीत में भी सुना ना, क्या सुना? कि क्या हाल हो गया, देख तेरे इंसान की हालत
क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। तुम बच्चे जानते हो औ भारत हमारा कौन कहलाए। भारत स्वर्ग था, सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है। उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे, ये चित्र बड़ी अच्छी चीज। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते, कहाँ बनाते हैं? जब हम भोपाल जाते हैं तो रास्ते में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर जो है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे बुत बने हुए हैं और ट्रेन से दिखाई देते हैं। तो हम जाते रहे, कई बार आए गए तो वहां मैंने देखा बहुत बड़े बड़े मतलब जो है ना बुत बने खड़े हैं, पहाड़ जितने दिखाई देते हैं एकदम। तो इतने बड़े कोई थोड़े ही थे, इतने बड़े थोड़े ही थे। रावण का कितना बड़ा, 100 फुट का रावण बना देते, 100 फुट का लंबा बनाते। दिन प्रतिदिन लंबा होता जाता। जाते हैं लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए हैं। अभी तक मौत नहीं आई उसकी। हर साल बड़ा 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 होता। तुम दशहरे के दिन पर अच्छी रीति समझा सकते हो, ये रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी डालना चाहिए। ये राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने अखबार ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है, तो गुरु नानक जी ने भी कहा है। ठीक है, कहें बाप को, बाप भी जब आए थे तो कहा था ये आसुरी दुनिया है, देवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। क्या करें, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है कि हम क्यों आए हैं यहां पर, क्यों आए हो काम छोड़ करके घर के, अच्छा नहीं लगता। हां जी, घर के काम से चोरी करके आते हैं क्या, बच के आते क्यों, क्या 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 है ऐसा, क्या क्यों आते हो? मतलब क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि लक्ष्मी नारायण बने। तो बाहर बोर्ड पर एम ऑब्जेक्ट लिखा हो, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाला विद्यालय। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। भाई कोई स्कूल में डॉक्टर बनते तो बाहर लिखा होता है मेडिकल कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो वहां बनाए जाते हैं वो बाहर लिखा होता है ना। तो आपके स्कूल में क्या बनाए जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाए जाते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाए जाते हैं। तो वही लिख दो। सत्संग में जो भी हैं वहां वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते रहते हैं, कोई श्रद्धा नहीं है, पर जो सुनाओ सुनते रहे, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता।
अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो, कब से पढ़ते आए हो? सतयुग से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां ये भक्ति मार्ग का अंश भी नहीं होता। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है, भक्ति का खंड कहा जाता है। आधा कल्प है ब्रह्मा की रात, भक्ति मार्ग शुरू होता है, भगवान जरूर आता है, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वे निराकार कैसे आए? जरूर शरीर का आधार लिया हो। जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं, ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं। उनको आना ही भारत में है, बाप का जन्म भी भारत में ही है। बाप का जन्म भी कहाँ होता है? भारत। ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए समझाया है। विराट रूप देखा है कि नहीं देखा है? विराट रूप देखा है या नहीं? हाँ जी, जो हमारा हमारा विराट रूप है वो नहीं देखा आपने, वो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि बाबा ने एक दिन कहा था कि ऐसा विराट रूप बनाओ, तो फिर हमने वो विराट रूप बनाया। ठीक है, जिसको देखने का हो तो वो देख सकता है। ये है विराट रूप। यह है विष्णु का विराट रूप, जिसमें आपने एक तो विराट रूप देखा होगा शमशान भूमि में, जहां दिखाया है कि कृष्ण के शरीर से देवताएं निकल रहे हैं, है ना? वहां से क्षत्रिय भी निकल रहे हैं, वैश्य भी निकल रहे हैं, शूद्र भी निकल रहे हैं। उसमें ब्राह्मण नहीं दिखा। बाबा कहते ब्राह्मण है चोटी, तो उनको चोटी में दिखाओ। तो हमने फिर यहाँ ब्राह्मणों को उठाकर चोटी में बिठा दिया। ठीक है, खेल इसमें दिख रहा है, नहीं देख सकते हैं जिसको देखना हो, है नहीं? ये है मतलब ये ना विराट रूप, इसमें ये सारे देवता निकलते हुए दिखाए, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र निकलते हुए दिखाए। ऊपर जो है ना ये ब्राह्मण, है नहीं? होवनहार महाभारी विनाश के समय निराकार परम पिता परमात्मा शिव आकर संगम युग पर इन ब्राह्मणों को बनाते। तो ये ब्राह्मण यहाँ पर दिखा, ब्राह्मण है चोटी। ये ब्राह्मण ही फिर क्या बनते हैं? देवता बनते हैं, जो सतयुग में होते हैं, त्रेता में क्षत्रिय होते हैं, जिनके हाथ में हथियार दिखाए हैं, और फिर जागा ये वैश्य, और फिर कलयुग में शूद्र जो पैरों से निकलते। ये चित्र जो है ना फिर बना, तो इस प्रकार से मतलब उन्होंने इनको हटा दिया है। ब्राह्मण धर्म है चोटी, ब्राह्मण धर्म क्या है? चोटी। तो इसलिए चोटी में ब्राह्मणों को बिठा दिया। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना, प्रैक्टिकल में तो तुम हो। हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े? शिव बाबा का तो शरीर है ही नहीं, तो शिव बाबा कैसे आके हमें पढ़ाते? ब्रह्मा के तन से। ये सरस्वती और ये ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल बनता है, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, कितने कितने? 8 जन्म देवता और 12 जन्म और 1 जन्म संगम। 21 हो जाएंगे ना,
बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बना सकते हो। ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की भी रात, सरस्वती की भी रात, दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारण करनी है। ऐसे नहीं एक कान से सुना और दूसरे से बाहर, इसलिए तो दो कान दिए बाबा के, तो इसलिए दो कान दिए, एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो। कौन सी बात? माया की बात। मेरी बात को मत निकाल देना। हाँ, माया की बात को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। मेरी बात को सुनो, अंदर रख लो, बस इसको बाहर नहीं जाना। जैसे और सत्संगों में कथाएं हैं, यहां तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है, वहां कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं। दुनिया में कितने भी सत्संग हैं, वहां कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं कि क्यों सत्संग कर रहे हो। पता ही बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई विरले निकलते। समझाते तो बाबा बहुत है, परंतु कोई विरले निकलते। कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते। समझाना चाहिए ये युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, ये भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही जीतते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं, हार और जीत का ये खेल है। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं, ये नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचता बाप से पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़े होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। फिर यहाँ क्यों भूलते हो? कोई स्टूडेंट अपने पढ़ाने वाले टीचर को भूलता है? यहाँ तुम भूल जाते हो, घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं, यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, कितना आंसू बहाते हैं। यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते वे भी भूल जाते हैं। गाइड बन के आए, कितनों को बाबा से आके मिलाया और वो भी घर जाके काम से कम सर्विस समाचार तो लिखे। ऐसे खर्च होंगे पर तो समाचार तो लिखे। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? माया ने कब्र दाखिल कर दिया। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है उनको भी निरंतर याद करना चाहिए, परंतु बच्चे मास मास याद में दिलाते हैं, याद भी दिलाते, मास मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई भी रूप ले लेती है। माया क्या करती है? कोई भी रूप ले लेती और मुर्दा ही बना देती है। जीते जी चिट्ठी नहीं लिखते। हाँ, जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं। जीते जी चिट्ठी नहीं लिखते। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे, बाबा भी चिट्ठी तब लिखेगा जब प्रजापिता ब्रह्मा होगा।
बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वो खुद लिखेंगे। जब तुम चिट्ठी लिखोगे तो बाबा भी आपको चिट्ठी लिखेगा, आप नहीं लिखेंगे तो बाबा भी। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, स्थाई नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में मक्खन दिखाते हैं, विश्व का राज्य है, मालिक पने में भी स्टेटस है ना। जो जितना करेगा उतना पाएगा, वे पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता परम आत्मा कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। मात पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हो, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख करे। राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए तीनों सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। और विनाशकाली विपरीत बुद्धि तो खलास हुए ना। बाकी जिनकी प्रीत बुद्धि है वो भगवान के साथ वे स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इतला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी हाथ मिलाना। उनसे भी क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं तुम्हारे साथ मिलते हैं उनके भी साइन ले लो। हो सकता है खुश हो जाएं, ये तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो। इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहां अहंकार आ जाता है या फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते। माया ज्ञान का नशा उतार देती, ज्ञान के नशे से चेहरा खुश रहता है और माया चेहरे को उदास बना दे। ज्ञान के नशे से चेहरा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, दैवी मैनस धारण करने हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, कोई बात है उसको निकाल देना। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट है, इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें बिजी रहना है। वरदान, बाप के दिए हुए खजाने को
मनन करो तो अपना बन जाएगा। अपना बनाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बाप बच्चों के मनन व सिमरण करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया है। हाँ, दिखाया है विष्णु। सांप को शैया बना दिया, शेषनाग के शैया पर सोयो ना, शेषनाग को शैया बना दिया। शैया बना दिया अर्थात विकार अधीन हो गए, माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, सदा माया जीत निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट्स स्मृति में रख, मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे, सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि बाप को का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव। क्योंकि जितना ज्ञान मंथन करेंगे, जितना भोजन चबाएंगे, उतना शरीर की शक्ति बन जाए। स्लोगन है, स्वापरिवर्तक वे है जिसके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी केंद्र पर संपर्क करें और